नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद से लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। गरीब जनता को लोन दिलाने के नाम पर 100 से भी अधिक परिवारों को चूना लगाकर एक प्राइवेट कंपनी फरार हो गई है। गरीब परिवारों को चूना लगा कर भागने वाली इस कंपनी की शिकायत शहर कोतवाली में दर्ज कराई गई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी में शुभ भारती नाम की प्राइवेट कंपनी के जरिए लाखों का गोलमाल किए जाने का मामला सामने आया है। लोन दिलाने के नाम पर 100 से अधिक परिवारों से प्राइवेट कंपनी द्वारा लाखों की वसूली कर कंपनी के कर्मचारी फरार हो गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यालय के एसपी आवास के समीप काफी समय से संचालित होने वाली इस कंपनी ने लोन दिलाने के नाम पर लाखों की उगाही की थी। ऑफिस में ताला लटकता देख लोगों ने कंपनी की शिकायत शहर कोतवाली में दर्ज कराई है, जिसके बाद शहर कोतवाली पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हमारे हमने लोन के लिए पैसा दिया था कि 10,000 10,500 रुपए जमा किए हम लोगों ने। किस कंपनी में? ये सुवार्ती प्राइवेट सॉल्यूशन बिजनेस लिमिटेड कम नाम से कंपनी है। ये जो मतलब अजय यादव नाम का शख्स आया था हमारे पास, ये पहले बताता था कि हम एच ई वर्ष में काम करते, तो ठीक है, हम लोग जानते थे उनको, जानते थे कि मतलब ये एच ई वर्ष से रिलेटेड है, तो हम जानते थे ठीक है भाई, आप दूसरी कंपनी में काम करने लगे तो हम आपसे भी लोन ले लेंगे। इससे जुड़े थे हम, इन्होंने हमें 30,000 दिया था, फिर इन्होंने कहा कि हम बड़ी कंपनी बता रहे हैं, आप वहाँ से ले लो। तो हम लोगों ने वहाँ से लेने के लिए सोचा, तो उन्होंने कहा पहले आपको 500 रुपए लगेंगे, तो पहले लेगा वो 8,000-10,000 रुपए हम लोगों से। फिर इसके बाद में बोले कि आप 10,000 रुपए इधर जमा करना तो आपको 1,00,000 रुपया मिलेगा। तो हम लोगों ने कहा कि आप 10,000 उसमें से काट के 90,000 हमको दे दो। तो कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं होगा, जिसको भरोसा वो करे कि हम भागने वाले हैं या हम जाने वाले हैं, तो आपको हमारों को भरोसा नहीं है, तो आप मेरी का बैंक। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ 1।